हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले भर में पेट्रोल पंप रहे बंद, अवैध डीजल व बायोडीजल बिक्री केंद्रों पर कार्रवाई की मांग। सिरोही जिला पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल। ईंधन के अभाव में वाहक चालक रहे परेशान, आबू रोड। जिले भर में अवैध डीजल व बायोडीजल बिक्री केंद्रों पर कार्रवाई की मांग के चलते पेट्रोल पंप बंद रहे। सिरोही जिला पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पेट्रोल पंप पर ईंधन का विक्रय बंद रहा। नतीजतन सुबह से ही वाहन चालक पेट्रोल व डीजल के लिए भटकते नजर आए। जिला पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से SP व कलेक्टर को कई बार ज्ञापन सौंपा गया। जिले के विभिन्न स्थानों, होटलों, ढाबों समेत अवैध डीजल व बायोडीजल बिक्री केंद्रों पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से पेट्रोल पंप डीलर्स में आक्रोश फैल गया। नतीजतन उन्होंने 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी, जिसके चलते आज सुबह से ही पेट्रोल पंप पर ईंधन की बिक्री बंद है। पेट्रोल पंप पर बैरिकेड लगा दिए गए, वाहनों में ईंधन भरवाने गए वाहन चालकों को ईंधन देने से मना कर दिया गया। वहीं मामले की नजाकत के चलते SP धर्मेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने दोपहर में सिरोही जिला पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संदीप जायसवाल से फोन पर वार्ता की, उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया, प्रभावी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके चलते जिला अध्यक्ष जायसवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर व SP से मुलाकात की। फिलहाल पेट्रोल पंप बंद रहने से वाहन चालकों को खासी दुश्वारियां का सामना करना पड़ रहा है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सिरोही जिला पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संदीप जायसवाल, इन्होंने ये कहा। आज जो सिरोही जिला पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल का आह्वान था सुबह 6 बजे से, वो सफलतापूर्वक जारी है। हमारे सारे ही जिले के पेट्रोल पंप भाइयों ने इस हड़ताल को सफल बनाने में एकजुटता दिखाई है। सारे हमारे पंप बंद हैं, सारी हड़ताल हमारी सक्सेस है। जो हमारे पंपों पर ग्राहक आए, उनको हमने अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया, वो भी हमसे सहमत हुए और सकारात्मक, बिना कोई झगड़े टंटे के हमारी हड़ताल सक्सेस चल रही है। दूसरा, प्रशासन भी हमारी मांगों को सफलतापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक सुनने को तैयार है। हमको 11 बजे वार्ता के लिए बुलाया है। हम प्रशासन को भी अपनी बात से अवगत कराएंगे, जो हमारी समस्याएं हैं उससे हम अवगत कराएंगे, और प्रशासन से वार्ता के बाद तय होगा कि आगे की क्या रणनीति है। अभी हड़ताल सफलतापूर्वक जारी। जागरूक टीवी के आबू रोड से खास रिपोर्ट।